And uh, let's say the speed of the source in this circular path is uh, V naught. And uh, we have an uh, stationary observer at point uh, O. Alright. The frequency heard by this uh, observer when the source is at point A, that is nu1. For point B, it is Nu2 and for point C it is Nu3. So we have to compare nu1, nu two and nu3. Right? Frequencies kwa me compare karna. Hai. So we will use Doppler's effect. So let me write the formula F apparent. दैट विल बी एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ओ डिडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस राइट वट इज एफ नॉट दैट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स वट इज वी ओ दैट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर विल बी जीरो बिकॉज ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी सो ये फॉर्मूला रेड्यूज हो जाएगा एफ नॉट वी डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस वी एस क्या है वी एस इज वैलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर द सोर्स सोर्स की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जस्ट लाइक हमने कैनमेटिक्स में किया था बाय लाइन ज्वाइनिंग राइट एंड प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा इफ इट इज वैलासिटी ऑफ एप्रोच देन माइनस आएगा एंड इफ इट इज वैलासिटी ऑफ सेपरेशन दैन प्लस आएगा और यू कैन से इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर, देन माइनस आएगा एंड इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन प्लस आएगाट मी शो यू देन इट विल बी मोर क्लियर लेट से हम न्यू uh, वन की बात करते हैं वैन द सोर्स इज एट पॉइंट ए देन उसका जो वैलासिटी होगा वी नॉड होगा समथिंग लाइक दिस इस डायरेक्शन में वैलासिटी ऑफ सेपरेशन और वैलासिटी ऑफ अप्रोच के लिए हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से एंड यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वी नॉट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सो लेट से ये एंगल थीटा है सो यू कैन सी इस तरह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा सो यू हैव टू टेक द कंपोनेट ऑफ दिस वी नॉट अलॉन्ग दिस लाइन सो इस डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा वी नॉट कॉस थीटा सो so न्यू वन कितना होगा न्यू वन होगा आप देखो लेट मी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला सो एफ नॉड वी डिवाइडेड बाय वी वी एस कितना हो जाएगा वी नॉड कॉस थीटा राइट right? एंड प्लस आएगा या माइनस आएगा यू कैन सी इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना बिकॉज ये दूर जा रहा है द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर सो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा सिंपल न्यू टू की बात करते हैं सो वेन द सोर्स इज एट पॉइंट बी सो उसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में दैट इज वी नॉट अगेन आप लाइन ज्वाइन करो बी एंड ओ को ज्वाइन करो अगेन दिस एंगल विल बी थीटा बाय सिमेट्री यू कैन से सो दिस एंगल विल बी थीटा सो यू हैव टू यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वी नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सो इस डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा वी नॉट इन टू कॉस् थीटा सो इट विल बी एफ नॉट वी डिवाइडेड बाय वी और अगेन जो वी एस दैट इज वी नॉट कॉस् थीटा एंड इट इज वैलासिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा न्यू थ्री की बात करते हैं सो न्यू थ्री वेन दिस सोर्स इज एट पॉइंट सी सो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी कितनी वी नॉट नाउ यू कैन सी हम सी एंड ओ को ज्वाइन करेंगे एंड दिस वी नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सो देयर विल नॉट बी एनी कंपोनेंट ऑफ दिस वी नॉट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सो इट विल बी सिंपली एफ नॉट वी डिवाइडेड बाय वी वी एस कितना हो जाएगा इस केस में जीरो राइट सो नाउ यू कैन कंपेयर न्यू वन न्यू टू एंड न्यू थ्री आप देखो जो न्यूमरेटर है तीनों का सेम है एफ नॉट इंटू वी एफ नॉट इंटू वी एफ नॉट इंटू वी जिसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगा एंड जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा सो so डिनोमिनेटर को आप कंपेयर कर सकते हो ईजीली राइट सो इट विल बी न्यू वन न्यू वन का मैक्सिमम है राइट सो न्यू वन विल बी मिनिमम देन इट विल बी न्यू थ्री राइट एंड मैक्सिमम विल बी न्यू वन बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर सॉरी यहां पे न्यू 2 आएगा न्यू 2 का जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ओके इसकी वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक